करुणा के सागर गुरु गोविंद सिंह जी की मूर्ति भारत में ना होती तो क्या होता? छाए जाती एकता, सारे पास एकता हो जाती। क्या एकता कैसी हो जाती? सारे मुसलमान बन जाते, हिंदू सिख तो रहना नहीं था कोई। छाए जाती एकता, अनेकता में लाई जाती। जैसे हमारे देश में अब अनेक हैं, कैसे कैसे हैं, जैनी हैं, बौद्धी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब धर्म लोग शांति से रहते हैं ना, फिर नहीं तो रह सकते। गुरु गोविंद सिंह ना होते तो एकता बिलाई जाती। होती कुचेलता कुतेबर कुरान की, हमारे धर्म ग्रंथ तो रहते नहीं, रहना नहीं था तो वहां पे कुरान वगैरह रह जानी थी। छाई जाती एकता, अनेकता बिलाई जाती। होती कुचीलता कतेबन कुरान की, पाप ही परपक जाते। गौ हत्या करते और पाप करते, जुल्म करते, हमारे देश के बहु बेटों को बच्चों को भी मारते, हमारी धी बहनों की इज्जत लूटते, तो इतना पाप होता तो क्या होता? पाप ही परपक जाते, धर्म तसक जाते, धर्म का नाश हो जाता, वर्ण गर्क जाते। वर्ण क्या होते हैं? ब्राह्मण खत्री वैश्य शूद्र, चार वर्ण है, वो भी खत्म हो जाते। साहित्य विधान की, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, देवी देवतों ने, बड़े लोगों ने विधान बनाया था, नियम बनाए थे, वो भी खत्म हो जाते। देवी देव देवरे संतोष सिंह दूर होते। कवि संतोष सिंह जी कहते हैं, देवी देवतों के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, गणेश जी के मंदिर, शिव जी भगवान के मंदिर, रामचंद्र जी के मंदिर, कृष्ण भगवान के मंदिर भी तोड़ दिए जाते। देवी देव देहरे, देहरा किसको कहते हैं? मंदिर को। मंदिर को क्या बोलते हैं? देहरा। देहरे दूर हो जाते और रीत मिट जाती। कथा वेदन पुराण की, जो मंदिरों में कथा होती है वो भी खत्म हो जाती। फिर क्या हो जाता? सारी तरफ मुसलमान ही मुसलमान हो जाते। कथा रीत मिट जाती, कथा वेदन कुरान की। श्री गुरु गोविंद सिंह, बोलो श्री गुरु गोविंद सिंह, पावन परम सूर, सूर में सूरवीर बहादुर, पावन परम सूर, मूर्त न होती जो पे करुणा निदान की। जेकर वो माता गुजरी के पेट से जन्म ना लेते, वो इस देश में ना आते, तो हमारे देश की इतनी माड़ी हालत होती कि हिंदू बौद्धी जैनी सिख कोई धर्म भी नजर ना आता। तो श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम, फिर बोलो श्री गुरु गोविंद सिंह, मूर्त न होती जो पर करुणा निदान की। ये शब्द बाबा जी गाएंगे, आपने सुनना है। उनका गुरु गोविंद सिंह जी का वो स्वरूप है जो हजूर साहब में अंदर लगा हुआ है ना सामने, उसका ध्यान करो। हाजर नाजर गुरु जी यहाँ पे बैठे आपको नजर आएंगे, सुनो प्यार से। मूर्त ना होती जो पे करुणा निधान की, मूर्त ना होती जो पे करुणा निधान की। गुरु गोविंद सिंह पावन करुणा।
पुराण की वेदना पुराण